जिस प्रकार से पिछले 5 दिनों से अमृतपाल लगातार फरार चल रहा है और देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब पुलिस की बाइट ली जाती है तो पुलिस ये प्रशासन ये कहता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारा प्रथम लक्ष्य है, यानी कि जो प्रायोरिटी है सेकंड प्रायोरिटी में अमृतपाल है, पहली प्रायोरिटी तो पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। पुलिस ऐसा करके पल्ला झाड़ लेती है, अमृतपाल के बारे में तो बात ही नहीं करती और ना पकड़ने के बारे में कुछ बता रही है खुलकर। तो ये एक प्रश्न है, इस पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पंजाब पुलिस 80,000 जवानों की पुलिस जिसको पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट फटकार लगाती है, क्या वो जानबूझकर अमृतपाल के पीछे पकड़ना ही नहीं चाह रही उसको, या मुद्दे से दिखा दे, एक होता ना कि ढोल नगाड़े पिटवा दो और अंदर कुछ खोखला निकले, वही बात यहाँ पे दिख रही है, आप क्या मानते हैं? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और आज के परिप्रेक्ष्य में इस पर गहन विवेचना की आवश्यकता भी है। यदि हम थोड़ा पीछे जाएं पुनीत जी, तो इसमें हम देखते हैं कि जब से ये आम आदमी सरकार ने पंजाब में अपनी सरकार आई, मार्च 22 की बात है, मार्च 22 के बाद से और अब तक लगभग 1 वर्ष के अंतराल में यदि आप घटनाक्रम देखें तो आप देखेंगे पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, गैंगस्टरिज्म बढ़ रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, मर्डर्स, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर के और ये खालिस्तान समर्थक अपना तांडव फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ये आप देखिए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, पीछे अब देखें राइट विंग हिंदू लीडर सुधीर सूरी का मर्डर हुआ डे ब्रॉड लाइट में, कोल्ड ब्लड इन मर्डर। उसके पहले एक बहुत बड़ा जलसा निकाला गया था ये भी खालिस्तान समर्थकों द्वारा पुलिस की प्रेजेंस में, जिसकी कि पंजाब गवर्नमेंट ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसका सुरक्षा के साथ साथ उनको निकालने की परमिशन दी। खैर वो भी हो गया, उसमें कोई घटनाक्रम नहीं हुआ लेकिन वो पीसफुली पास हो गई, लेकिन वो भी एक ऐसे समुदाय द्वारा किया जाना जो कि हमारे नेशनल फैब्रिक को, हमारी सोवरेनिटी पे, हमारी देश की इंटीग्रिटी पे एक धब्बा तो लगाता ही है। खैर कोई बात नहीं, अभी आप देखेंगे 26 जनवरी से पहले, कुछ दिन पहले ही 3 RPGs मतलब रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स पकड़े गए तरन तारन में, अगर नहीं पकड़े जाते तो पुलिस ने भाड़ा फोड़ा उसका, और नहीं तो फिर 26 जनवरी पे भी कुछ था, कुछ हो सकता था जिसकी की संभावनाओं को नगण्य किया गया पुलिस के तत्पर से। अभी देखिए अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, पिछले 23 फरवरी को आप देखिए अमृतपाल सिंह अपने समर्थक को थाने में बंद था उसको छुड़ाने के लिए एक बहुत बड़े समुदाय के साथ में आता है और उसके पास वो लाठी डंडे तलवारों से और विभिन्न प्रकार के अन्य आर्म्स से सुसज्जित रहते हैं और धावा बोल करके पुलिस को एब्डिकेट करके वो छुड़ाने में सफल होता है और पुलिस ये कहकर छोड़ती है क्योंकि जिसको पकड़ा था उनका समर्थक, उनका जो मित्र था, जो समर्थक था, उसको इस ये कह के छोड़ती है कि इसके खिलाफ या विरुद्ध में हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है, प्रमाण नहीं है। अब इस क्रम में जब घटनाएं बढ़ती जा रही हैं तो आपको याद होगा कि अभी हाल में ही पिछले दिनों में पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आए थे, जिन्होंने कि अमित शाह से भेंट की, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री जी से मुलाकात की। उसके बाद आप क्रम ये सीक्वेंस ऑफ द इवेंट देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में क्या हुआ कि भगवंत मान जी मुख्यमंत्री पंजाब को समन किया गया और वो उन्होंने भी पंजाब हमारे हेल्थ मिनिस्टर अमित जी से मुलाकात की। उसके बाद में एक पैरामिलिट्री फोर्सेस को मूव किया गया पंजाब में, एक बड़ी मात्रा में मूव किया गया। मूव करने के बाद में जब इस तरीके से आतंक पे
और इस तरीके की गतिविधियों पे चेक करने की कोशिश की और अमृतपाल सिंह को जब घेरने की कोशिश की तो पुलिस ने 80,000 पंजाब की पुलिस, जैसा कि आपने बताया कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया और खुला तमाचा मारा कि 80,000 पुलिस के सामने कैसे भाग गया। उसके 150 के लगभग सहपाठी, उनके साथी और अंकल, उनके ड्राइवर, आर्म्स, एम्यूनिशन सब पकड़ लिए, गाड़ियां सीज कर ली गई। लेकिन आप हद की इंतहा देखिए। लेकिन पकड़े गए हैं, छूटेंगे तो एक तो बात का विषय है, लेकिन जो मुख्य अभियुक्त था वो तो नहीं पकड़ा गया, वो पुलिस को चकमा देते निकल गया। एक ये तो बड़ी नाके से पार हुआ है, टोल से पार हुआ है, ये तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। और पिछले पांच सरकार ने उसको भगाया है, हमें इसकी देखिए, ये पिछली अगर बातों का संज्ञान लिया जाए और कुछ जो संस हुए हैं, आप कुछ विशेष जो बातें इस बीच में हुई जिसका कि संज्ञान लिया गया, काफ़ी कुछ वीडियो भी वायरल हुए। आपको याद होगा कि मार्च 22 में जब पंजाब में इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था, उस दौरान जो भारत के प्रख्यात कवि हैं कुमार विश्वास, उन्होंने भी कुछ संदिग्ध लोगों से मुलाकात के बारे में केजरीवाल जी से इस संबंध में कहा था। अब ये इतनी बड़ी बात उन्होंने कही, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि किसी भी देश की एजेंसी ने, या आईबी और रॉ या आपकी सीबीआई या होम मिनिस्ट्री ने संज्ञान नहीं लिया। इस कितना बड़ा जो एक इतनी बड़ी रीज़न कहिए, कारण कहिए, जिसकी वजह से उन्होंने वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य का विवेचना ना की जाए, ये गहन विवेचना का विषय है। इस पे इसका संज्ञान लेते हुए ना कि किसी वैधानिक संस्था ने संज्ञान लिया, ना ही सुप्रीम कोर्ट जो सो मोटो लेता है, ना उसने संज्ञान लिया। अगर संज्ञान लिया होता तो इस विषय पे एक उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता थी जो नहीं हुई, मेरे ख्याल से इसकी होनी चाहिए थी। आज अमृतपाल सिंह भागा भागा घूम रहा है, पुलिस उसके पीछे पीछे घूम रही है, तू चल मैं आया पीछे वाली कहानी चल रही है। 5 दिन से उसके सब मिल रहे हैं लेकिन अमृतपाल सिंह का कोई पता नहीं है। भेज बदल के, गाड़ी बदल के, घोड़ा बदल करके, कहीं कहीं पुलिस को चकमा देता हुआ आज 5 से 6 दिन हो गए हैं मगर वो नजर नहीं आ रहा। इसमें हमें लगता है जो कि सरकमस्टांसेस जो दिख रहे हैं उसके हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है तहों के बीच में, जिसको कि उधेड़ना निकालना बहुत आवश्यक है। और ये राष्ट्र हित में होगा, ये देश हित में होगा। केंद्रीय संस्थाओं को, केंद्रीय एजेंसियों को इस बात का संज्ञान लेकर के उच्च स्तरीय जांच शुरू करनी चाहिए। NIA की 8 टीमें पहुंच चुकी हैं और अब हमें लगता है कि मामला कहीं ना कहीं खुलेगा और देश के सामने जो तथ्य सामने आएंगे तो हो सकता है इसमें बहुत सी चीज़ें सामने आएँ। इसी के साथ हम अगले प्रकरण में इस पर और बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए धन्यवाद।